ये बाबा रंगरसिया क्या कुछ करती क्यों नहीं? ये उसका भूत मेरी बीवी के सर पर चढ़कर बोल रहा है, आपको पता है? दिवाली में हमने जितने गहने लिए थे ना, कंगन हार सब बाबा को देकर आई। उसे लगता है बाबा रंगरसिया के जादू से मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? देखिए मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए मिस्टर विजय, अब आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। दोनों बार आपकी बीवी ने अपनी मर्जी से उन्हें सोना डोनेट किया, जो कि बिल्कुल भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो फिर हम किस बिना पर उन्हें गिरफ्तार करें? हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। वाह 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 वाह, ये बाबा रंगरसिया हम जैसे लोगों को ठगते रहेंगे और आप कुछ करेंगी भी नहीं। देखिए ऐसा भी नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्द बाबा रंगरसिया की असलियत दुनिया के सामने होगी और वो आदमी सलाखों के पीछे। बस आप थोड़ा सा भरोसा और पेशेंस रखिए प्लीज। मैडम मैडम, डोंट माइंड मैडम, पर जब तक आप कुछ करेंगी ना, तब तक अनीता पूरा घर लुटा देगी बाबा पर। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए मैडम, चलता हूँ। अरे विजय भाई, ये लड्डू आप खाओ, आप लड्डू। नहीं 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 मैडम, सर बोल तो दिया है, लेकिन अब करेंगे क्या? तभी कहे संतू जी, हमको छोड़ क्यों चड्डे को इतना भाव कहे देती? ये तो कहाँ चड्डा कहाँ हम यार। अरे बिल्ले यार, थैंक यू यार बिल्ले यार। ए बिल्ले, तुम जान हो यार, जान हो तुम। इट्स ओके इट्स ओके। अरे ये थाना मेरा घर है, घर वालों को बाहर वाला आके कोई चीट करे ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? बहुत सही बिल्लू भैया, मान गए आपको। अरे आप देखो चोर हैं, लेकिन आदमी ईमानदार हैं। अमर तुम बिल्लू की तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती? सर तुमको तारीफ बेइज्जती क्या होती, तू निकल ना। छोटे बाबा, चांडाल बिल्ले, छोटे बाबा अब वही है ना जो रंगरसिया बाबा जी के आश्रम में उनके साथ भक्तों की सेवा करते हैं। हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मैं बाबा आशीर्वाद दीजिएगा छोटे बाबा। कृपा बनाई रखिए। हाँ हाँ, कृपा कृपा है, प्रेम शांति प्रेम। छोटे बाबा, बाबा ये मेरी तरफ से दक्षिणा। रंगरसिया बाबा की जय। रंगरसिया बाबा की जय। प्रेम शांति प्रेम शांति। देखिए करिश्मा सिंह, हम आपको एक और टास्क देने वाले हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो टास्क आप इसलिए करें क्योंकि वो टास्क है या हमने ऑर्डर दिया है इसलिए करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप ये टास्क पूरे दिल से, फीलिंग्स के साथ और भरोसे के साथ करेंगी। हो पाएगा? अरे नहीं मैडम, सर क्या कर रही हैं आप, कहाँ सर फोड़ रही है? कैक्टस पे कभी गुलाब के फूल खिले, आपने कभी सुना है ऐसा? इन्हें ना प्यार करना आता है ना प्यार से बात करना। अच्छा अच्छा, आप यहीं बाहर थी, कान लगा के खड़ी थी? इज्जत से बात कीजिए, कान लगा के। ये क्या बात हुई बात करने की? हाँ वैसे भी हमको आदत नहीं ऐसी काना फूसी करने की, समझ गई ना? अच्छा अच्छा, वो तो हम दरवाजे का ऑयलिंग देख रहे थे तो इसलिए कान पे बात पड़ गई। ऑयलिंग आप चेक कर रही थी? ऐसे तो हमारा घर पूरा ऑयलिंग पे ही चलता होगा, क्योंकि क्या है ना, आप तो हर दरवाजे खिड़की के पीछे खड़ी मिलती है जब हम लल्ला और हम जब प्राइवेट में बतियाते हैं। हाँ तो बड़े घर के आँख और कान खुले रखने पड़ते कि क्या चल रहा है घर पे। आपकी तरह नहीं है कि परवाह ही नहीं है पति की? हमें परवाह नहीं है पति की, और नहीं तो क्या। मैडम जरा पूछिए इनसे, कब हमारे लल्ला ने हमको पिछली बार जिद करके किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा था? कब आपने उनको दूध गर्म करके पिलाया था? हाँ उनकी पसंद की साड़ी पहनी, उनकी पसंद की बिंदी लगाई, बस ड्यूटी से आए यूनिफॉर्म लटकाई, बंदूक साफ की, टक्कर खाए और फैल कर सो गए। क्या हमारा लल्ला इंसान नहीं है, उसके कोई अरमान नहीं है? देखिए देखिए मैडम सर, ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गया पुष्पा जी का। देखा मैडम सर आपने, कैसे हमारी भावनाओं को ओवर एक्टिंग कह रही है, मतलब किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है इनको। अच्छा हमें कदर नहीं है, तो आपका लल्ला कौन सा खिड़की पे बैठकर हमारे लिए गिटार बजाकर गाने गाता है? नहीं आता हमारे लल्ला को गिटार बजाना, तो गाना क्या सुनाएगा वो? तो सीखे ना, जब उनको पता है कि हमें गाना सुनना कितना पसंद है और हमें गिटार कितना पसंद है तो क्यों नहीं सीखते? हमें ये क्या बात हुई? नहीं मतलब हमको तालाब पसंद था, तो क्या तुम्हारे ससुर रोज एक मगरमच्छ पकड़ कर लाते तो अब हमको उनके प्यार पे यकीन होता? करिश्मा सिंह, वैसे पुष्पा जी बात तो ठीक कह रही है, पार्टनर्स को एक दूसरे को प्यार दिखाने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स तो करने ही चाहिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक रिश्ते को लंबे समय तक बांधे रखती है, और यही है हमारे इस केस का सलूशन। विजय और अनीता के बीच खोया हुआ प्यार, वो रोमांस हमें वापस लेकर आना है। हाँ तो आपने ट्राई किया तो था मैडम सर?
आपने लव लेटर लिखा तो था अनीता को, विजय के बिहाफ पे क्या किया अनीता ने? खुश होकर बाबा को 5 तोला सोना दान में दे दिया। करिश्मा सिंह, आप चीजें अलग तरीके से समझते हैं और हम उन्हें असलियत में समझते हैं। जब हमने अनीता को विजय बनकर लेटर लिखा तो अनीता ने क्या किया, वो लेटर जाकर सीधा दे दिया बाबा रंगरसिया को, विजय को नहीं दिया। इसका मतलब एक ही है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है और अब यही प्रॉब्लम उनके बीच की दूरियों को दूर करेगा। मैडम सर, आप जानती हमें ये गोल गोल बात समझ में नहीं आता, अगर आप हमें सीधा सीधा बता देंगी तो आपका मेहरबानी होगा। तो सीधे सीधे आप अनीता बनकर विजय को एक रोमांटिक सा लेटर लिख दीजिए। पुष्पा जी सही है मैडम सर, आपने गलत इंसान चुन लिया इस चीज के लिए, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? आप ही ने तो कहा था ना कि आपका प्रेम विवाह हुआ है और आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कहाँ गया वो रोमांस? लाइए उसे बाहर और लिखिए लेटर। जब भी हम सोचते हैं कि अब आपके पास क्या बचा जज्बात के नाम पर कहने के लिए, फिर आप एक नया एंगल ले आती है जज्बात का। कुछ भी हो मैडम सर, पर कुछ तो बात है आप में जो आप अपना हर बात मनवा लेती हैं। ठीक है, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हम प्रॉमिस नहीं करते कि कैसा होगा लव लेटर। जैन मैडम सर, हाँ सुनिए ना, वो आपसे थोड़ा काम था हमें, ज्यादा कुछ नहीं, आप बस हमें ये बताइए कि वो लेटर कैसे लिखते हैं, रोमांटिक लेटर। हम हद है, आपसे नहीं पूछेंगे तो पड़ोसी से पूछेंगे, पति तो आप है ना हमारे। एक काम कीजिए आप, रहने दीजिए, आप बिजी है ना, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे हाँ हाँ लल्ला, कुछ नहीं हुआ है उसे, एकदम ठीक है बहुरानी। हाँ हाँ उसका दिमाग भी ठीक है, कोई दौरा वौरा नहीं पड़ा है उसे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? अरे कह रहे ना वो ठीक है, काम पे ध्यान दो। तुम क्या रेंग रहे हो यहाँ पे? हाँ तुम दांत मत फाड़ो, दिख रहा है हमें। नहीं होगा तुमसे, ये जो फाइल का काम है ना वो तुमसे नहीं होगा, हम कह रहे हैं। इस लात मार के कौन लव लेटर लिखता है? प्रेम पत्र लिखने के लिए स्वयं में प्रेम की अनुभूति होना अत्यंत आवश्यक है। पहले स्वयं में प्रेम भावना उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो तुम अपना प्रेम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाओगे। Yeah!
कॉम्प्लीमेंट मैडम सर। माशाल्लाह करिश्मा सिंह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? मैडम सर हमने बहुत ट्राई किया, हमने लेटर लिखा, हमने बार बार लिखा लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कि ऐसे लिखा जाए, कुछ लिखे हैं शायद आपके काम आ जाए, आप देखिए। अरे वाह, क्या माँ कसम लग रही हो मैडम आप। करिश्मा मैडम ही है। भगवान का शुक्र है बाकी सब तो पहले जैसा है, वरना हम तो डर ही गए थे। क्यों कुछ कहना जरूरी है तुमसे, क्यों कहकर ही कह पाऊंगी तुमसे, क्यों जरूरत है मुझे कहने की जो कहना है तुमसे। महसूस तो तुमने भी किया होगा ना, महसूस तो तुमने भी किया होगा वो प्यारा सा एहसास जो तुम्हें देखकर होता है। महसूस तो तुम भी करते होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा पढ़ाई के बहाने अपने घर से निकलकर रात भर मेरे घर के बाहर खड़े रहना, सिर्फ मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहना। तो भी 12वीं में हमारे लल्ला के नंबर इतने कम आए थे, रात रात भर किसी के घर के सामने खड़ा जो रहता था। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों ही उस छोटे छोटे एहसासों को पता नहीं कहाँ कहाँ भूल आए हैं, जीवन की आपाधापी में उन खुशियों को कहीं रख कर छोड़ आए हैं। जानती हूँ जिंदगी की बदलती तस्वीर ने तुम्हें भी बदल दिया है, जिम्मेदारियों ने थोड़ा सा तुम्हें भी अपने जैसा कर दिया है। चलो एक बार फिर उन एहसासों को ढूंढ लाते हैं, रख कर भूल गए हैं जहाँ वहीं से फिर बटोर लाते हैं। चलो जीते हैं फिर से कुछ पल साथ, चलो फिर वो पहला वाला प्यार दोहराते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह। मैडम आपने लिखा है ये लेटर, सुपर्ब। सुपर्ब, अरे वाह मैडम वाह वाह, क्या लिखी है मैडम, मतलब ये तो कमाल हो गया। नहीं तो आपको देखकर कौन इसे बोल सकता है कि आप जैसी ठोस चट्टान जैसी दिखने वाली औरत के अंदर ऐसे मतलब प्रेम का धरा प्रवाह धरिया फूट सकता है। हमारी बहू कवयित्री, हमको तो मालूम ही नहीं था। बहुत बढ़िया लिखा है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने अपने दिल के जज्बात निकाल कर लिख दिए, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका इतना प्यारा दिल भी है। आप भी इतनी समझ लीजिए मैडम सर, दिल से निकला बात जो होता है ना वो दिल तक पहुंच ही जाता है। चीता चतुर्वेदी और बिल्लू, करिश्मा सिंह का लिखा हुआ लेटर और हमारा लिखा हुआ लेटर, ये दोनों विजय और अनीता के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा काम है। क्लियर हो जाएगा मैडम सर? शक हो जाएगा। उफ, मासूमियत। संतू जी काम हो जाएगा। गुड। वैसे मैडम सर एक बार आपका लिखा हुआ लेटर भी पढ़ी लेते ना, पता चल जाएगा कि भेजने लायक है कि नहीं। मैं तो भूल गई थी, वो आप तो मुशायरा विनर है, आपका लेटर तो अच्छा ही होगा। गो अहेड। जी जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। वैसे करिश्मा सिंह ये साड़ी आपने खुद पहनी थी या किसी की मदद ली थी? एक बार करिश्मा सिंह साड़ी कब पहनेगी? क्या पूछ लो? अरे नहीं यार अच्छा नहीं लगता। पूछ रहे पूछ पूछ। मैडम सर वो जा पूछ रहे हमें हमारे टोपा होगा। अरे मैडम जी इनको ना एक जानकारी चाहिए कि आप। जय हिंद मैडम सर। इनको भी अभी आना था। मैडम सर काम हो गया, अनीता और विजय तक लेटर पहुंच गया। और जैसे ही विजय ने वो लव लेटर पढ़ा ना वो एकदम खुशी से गदगद हो उठा और फूल वाले के पास गया और उसने वहां से फूलों का एक ऐसा बुफे लिया। बुके? अरे तो ऐसे बोलो ना, फूलों का गुलदस्ता।
तुम लोग का ना इंग्लिश वीक है, तुम बोलो ना। हाँ मैडम सर, हम ना अनीता के पीछे गए थे, जैसे वो लेटर पढ़ी ना उसके बाद से उड़ते हुए सीधा सब्जी मार्केट में गई और खूब सारा भिंडी खरीद के फिर उड़ते हुए अपने घर वापस चली आई। हाँ हाँ, विजय को भिंडी बहुत पसंद है, अनीता बता रही थी हमको। मैडम सर, हमको लग रहा है हमारा प्लान काम आ रहा है। हाँ लगता तो है, हो सकता है कि बहुत जल्द ये बाबा रंगरसिया इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए और फिर शायद कोई बाबा कभी आए ही नहीं। करिश्मा सिंह, आपको अनीता के बिहाफ पर विजय को एक और लेटर लिखना होगा। हम एक बार लिख चुके हैं मैडम सर, अब हमसे दोबारा नहीं होगा। देखिए, अगर हमारी एक कोशिश एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से बना दे, उस मुरझाए हुए रिश्ते में नई जान डाल दे, तो इससे बड़े सुकून की बात और क्या हो सकती है। देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लेंगी, ठीक है करिश्मा सिंह? जी जी मैडम सर। अभी? हाँ, वो कपड़ा चेंज करने ही जा रहे हैं मैडम सर। चल रही है तुम्हारी, काम पे ध्यान दो। सारा जमाना हमारे प्यार का दुश्मन है ससुर। योगी जी। बाबा। अरे भाई, हमारी एक बालिका हुआ करती जो हमारी बहुत बड़ी भक्ति अनीता, वो दिखाई नहीं दे रही है आजकल, क्या बात है भाई? थोड़ी व्यस्तता रही होगी बाबा, किसी कार्यवश नहीं आ सकी होगी। योगी जी बाबा, जीवन के दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम। इन दोनों पहलुओं के बारे में हमारे भक्तों का ध्यान होना चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है बच्चे। मैडम सर। बिल्लू बिल्लू रिलैक्स रिलैक्स, कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? बाबा के आश्रम से। वहाँ पे भी चोरी के लिए से सबके सब मारने के लिए भाग रहे थे ना आपके पीछे। वाह, रॉन्ग, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मैडम सर, बाबा के बारे में एक इम्पोर्टेंट खबर देनी थी, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। सांस ले लो। हाँ अब बताओ। मैडम सर, अनिता आई थी आश्रम में और बाबा को थैंक यू बोल रही थी, मतलब वो कह रही थी बाबा को कि अभी विजय एकदम ठीक है, बाबा की जरूरत नहीं है, इसलिए आखिरी बार बाबा का शुक्रिया अदा करने आई थी। हाँ तो क्या बोले बाबा फिर? अगर ये किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं। हाँ सर, कैसा अजीब सा बात बोल दिया बाबा? बाबा नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये चाय किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं क्या? तुम ना मुद्दे पे रहो, ये तो एक घुसंड लगाएंगे ना अभी। बताओ फिर क्या हुआ? वो क्या बोलेगा, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से चली जा रही है, वो क्या बोलेगा? उसकी बोलती बंद, हालत खराब, उसका वॉल्यूम बंद। अनीता तो आखिरी बार टाटा वादा करके चली गई। बहुत अच्छी खबर लाए हो बिल्लू। केस सॉल्व मैडम सर। कांग्रेचुलेशंस।
थैंक यू मैडम सर। मैडम हसीना मैडम, हसीना मैडम कहाँ है? चीता भाई हसीना मैडम को बुलाइए। हाँ 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 मैडम, क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैडम मेरा नाम विजय चौहान है, मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन मेरा रहा सांस सब बर्बाद हो गया। मैडम मैडम आपको पता है मेरी बीवी अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। क्या? हाँ?